ओके कि बैठे नेशनल एंथम अच्छा नहीं लगता, तो चलिए सब मिलके एक साथ नेशनल एंथम गाते हैं। जन गण मन विनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो गाइस आज है स्वाधीनता दिवस, मतलब इंडिपेंडेंस डे। तो आज तो 77 इयर्स हो गया है हमारे स्वाधीनता दिवस का, और हम आज लाइफ में पहली बार ब्लॉगिंग बना रहे हैं इसको लेके। तो आज का दिन आप लोग कैसे सेलिब्रेट किए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को हम बता देते हैं कि आज का दिन हमारे हर इंडियन के लिए, हर भारतवासी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है, क्योंकि आज है हमारा स्वाधीनता दिवस। आज देश इंग्रेज से 200 साल उनका अत्याचार के बाद फाइनली जाके हमारा देश स्वाधीन हुआ था, एक स्वाधीन देश में परिवर्तन हुआ, और गणतांत्रिक जो मतलब आईन कानून है वो चालू हुआ था हमारे देश में। तो मतलब उसमें यही होगा कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही बनेगा राजा। तो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट था। ओवरऑल आज का दिन हर इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। तो वैसे मैं भी एक इंडियन हूँ, और दिल से मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्व है आज के दिन। आई एम सीरियसली प्राउड टू बी इंडियन। तो आई थिंक आज हम पूरा हिंदी में बात करने का कोशिश करेंगे, कुछ भी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इग्नोर करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज हिंदी है इसीलिए। तो गाइज हम थोड़ा बहुत वीडियो बना रहे थे, खुद से बना रहे थे, उतना अच्छा शायद रील्स वगैरह नहीं आया होगा। हम लाइफ में पहली बार वीडियो बनाए आज के दिन, स्वाधीनता दिवस के दिन। तो बहुत ज़्यादा खुश है। आज के दिन तो सब स्कूल में, पाड़ा में, क्लब में प्रोग्राम होता है, NGO लोग बहुत हेल्प वगैरह करते हैं गरीब मतलब बच्चा लोगों को, उनके परिवार वालों को। तो बहुत अच्छा लगता है आज का दिन। हर स्कूल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, हर पारा में, हर क्लब में सेलिब्रेट होता है। तो आप लोगों के उधर भी कैसे सेलिब्रेट हुआ ज़रूर कमेंट करना। तो आज के दिन में मेनली जो होता है कि सुबह सुबह सब लोग उठ जाते हैं, हम लोग जैसे करते थे बचपन में, सुबह सुबह उठ जाते हैं, रेडी हो जाते थे, क्योंकि हमारे स्कूल में पैरेड होता था, प्रोग्राम होता था आज के दिन। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के 8-9 बजे प्रोग्राम रहता था, हम लोग भाग के एकदम रेडी वेडी होके, जैसे ड्रेसअप रहता था, हाथ में ऐसे तिरंगा का कलर का मतलब एक रस्सी नहीं बोलते उसको, जैसे रिबन होता ना, रिबन जैसा बांधा जाता था, फिर क्या बोलता है, ऐसा स्लैशे होता था हमारे पास, तो वही सब आते थे, और पैरेड होता था जो सबसे अच्छी वाली बात है। फिर सुबह सुबह उठ के हम लोग टीवी में देखते थे, जो नेशनल चैनल्स है, DD बांग्ला, वैसे बहुत सारे चैनल्स है, उधर दिखाया जाता था कि रेड रोड में कैसे हो रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग आते हैं। हमारे कोलकाता में रेड रोड में जो प्रोग्राम होता है उधर मुख्यमंत्री आते हैं, और पूरा अच्छे से उद्यापन होता है, बहुत अच्छा लगता है। TV में भी दिखाया जाता था जो दिल्ली में होता है वो सब हम लोग देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह से उठ के ये सब करना, और फैमिली के साथ रहना, सबको विशेस करना। आज के दिन बहुत अच्छा लगता है, हर जगह वीडियो फ़ोन वगैरह, तो हमारे पास टाइम उतना नहीं था, पर अभी ऑन करो तो पूरा रील्स वगैरह, वीडियो, फोटो सब दिखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक वाइब्स आता है अंदर से। पाड़ा में जितने सारे जगह है उधर गाना बजता है वतन वाला, जैसे वंदे मातरम, जन गण मन, बहुत सारा गाना बजता है। तो मेनली आज का दिन हम लोग ऐसे ही बिताते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ओवरऑल सब कुछ, ऊपर से ट्राई कलर का, हम तो लाइफ में पहली बार ऐसे ही आई शेडो देके ये सब बनाए, आंखों के ऊपर आई शेडो दिए, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। कलरिंग चूड़ियाँ पहने, पर मेरे पास वैसे कलर का कोई थीम नहीं था कि हम पहनेंगे या कुछ करेंगे, मेरे कोई आइडिया भी नहीं था हम कुछ करेंगे। तो फिर फाइनली मन हुआ कि थोड़ा कुछ करते, चलो सबका देख के ऐसे नहीं होता है कि हम भी थोड़ा कुछ ट्राई करें। तो फिर फाइनली हम भी कुछ ट्राई किए, और पता नहीं कैसा बना है। और पापा कल रात को ही लेके आए गए थे एक फ्लैग बड़ा वाला, जो हमारे इधर अभी भी लगा हुआ है, पर बारिश हो रहा था इसीलिए हम बस अभी खोले इसको हम, क्योंकि बारिश होगा तो भीग जाएगा फ्लैग, और फ्लैग को पैर में भी ले लगाते हैं हम, पूरा अच्छे से एक जगह पे रख दिए हैं जहाँ पैर वैर कुछ नहीं लगने वाला है। तो जो भारत माता है हमारे, तो उनको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, और सबसे बड़े थैंक्स हम बोलेंगे जो लोग, जो फ्रीडम फाइटर्स, मतलब आज के दिन अगर उनको सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर इंडिपेंडेंस डे सोचो बेकार चल गया, ठीक है। तो फिर आज के दिन हम उनको मतलब श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, जो लोगों की वजह
से आज हम लोग इंडिपेंडेंट भारत में जी पा रहे, इतनी ज़्यादा उन्नति हुआ है, इतना कुछ। मतलब जैसे हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स, जैसे नेताजी, फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, फिर विवियन डिरोजियो जो बाहर के थे फिर भी हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, राजा राममोहन राय, फिर बहुत सारे, कितनों का नाम ले, और कितना, भगत सिंह, मतलब ये सब तो मिसालें हैं, तो इनका नाम कैसे हम लोग भूल सकते हैं, तो कभी भी नहीं भूल सकेंगे। ये लोग इतना काम किए हमारे देश के लिए, हमारे मतलब वुमेन बोल लीजिए, मेन मतलब पूरा देशवासी के लिए बहुत किए हैं। और फाइनली 1857 में आई थिंक फर्स्ट मतलब युद्ध स्टार्ट हुआ था देश के, मतलब देश को, मतलब ध्यान आया था सबको कि हाँ देश को मुक्त करना ज़रूरी है। फाइनली जाके 1947 में हम लोगों को मिला वो स्वाधीनता। और फिर फाइनली कितना बार, 7 से 8 बार तो हमारा फ्लैग चेंज हुआ है। और फाइनली अभी जो फ्लैग है वो 1947 से अभी तक सेम है। और देखते देखते 76 ईयर्स पार होके 77 में हम लोग पैर रख दिए हैं कि हमारे देश स्वाधीन हुआ है। और जैसे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि उसके अनुसार वो बोले हैं कि मतलब जैसे कोविड के टाइम हम लोग सब घंटी वगैरह बजा रहे थे, थाला बर्तन जो मिल रहा था बजा रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था हर जगह। और हमारे इधर हाजरा मोड़ में ममता बनर्जी कल आई थी पताका उद्बोधन करने रात को 12 बजे, बट तब वो मुझे पता नहीं था, जब तक मुझे पता चला तब तक शायद ख़त्म हो गया था, इसलिए हम नहीं गए थे। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा सुंदर गया आज का दिन सुबह से। हाँ, हम घर में अकेले थे, पापा काम पे चले गए थे, पापा एक बार आए थे तो थोड़ा बहुत क्लिप लिए थे, हम डालेंगे, आप लोग ज़रूर देखना। तो मतलब सिर्फ हम पापा को नहीं, मम्मी को नहीं, हर देशवासी के लिए बहुत एक मतलब अच्छा दिन है। सब लोग बहुत खुश होते आज के दिन, हमारे स्कूल में प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ हो रहा है। मतलब ये सब जो है ना गाइस, एक इमोशन है, एक इमोशन, मतलब इसको लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से मुझे ये शेयर करना था। तो गाइस आज मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। पहली बार ऐसा ट्राई किया, कुछ भूल चुक हुआ होगा तो आप लोग मुझे थोड़ा भूल जो गलती है उसको पकड़ा देना कि देखो तुम्हारा इधर गलती हुआ है, ठीक है। तो फिर यही सब बात है। और हम अभी जो सब फ्रीडम फाइटर्स को तो श्रद्धांजलि ज़रूर देना चाहिए। और उससे भी बढ़िया बात जो हम बोलेंगे, अभी जो हमारे देश की आर्मी है, जो सैनिक है, वो बॉर्डर में हर दिन अपना जान गंवाते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे सबसे दूर रह के सिर्फ हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे खुशी के लिए कि हम लोग इधर चैन से जी पाए, इसीलिए वो लोग बॉर्डर पे हर दिन मर रहे हैं। तो ये जो उनका बलिदान है, ये लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते हम लोग, तो उनको भी बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग अपना जान की परवाह किए बिना, अपना फैमिली लोगों का सबका परवाह किए बिना हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल सैनिक जो हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, सोल्जर्स, उनको ही मेनली। और हमारे देश का जो अभी गणतांत्रिक मतलब जो सब है, PM बोलो, CM बोलो, जो भी बोलो, वो लोग भी मेरे हमारे देश की बहुत हेल्प करते हैं, तो उनको भी बहुत सारा थैंक यू। तो हम चाहते हैं कि मेरे जैसे हम लोग भी देश के मतलब बोल सकते उज्जवल एक भविष्य है, तो हमारे से भी जो सब छोटे हैं वो सब भी देश के बहुत उज्जवल भविष्य है। तो उनको अच्छे से मतलब पढ़ाना, समझाना देश के बारे में बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुबह हम मामून को वही टॉपिक में समझा रहे थे कि ये सब उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब ज्ञान उनको शायद मतलब TV में, फ़ोन में, ये सब में नहीं मिलेगा शायद। कोई टीचर बोलेगी नहीं, बोलेगी नहीं पता, तो मुझे लगा मेरे ओपिनियन से मामून मेरे पास पढ़ती है, मेरा स्टूडेंट है, आबिर भी आएगा कुछ टाइम बाद 6 बजे, तो उसको भी हम समझाएंगे, मामून को भी फिर समझाएंगे कि वो लोग देश के भविष्य, उनको देश के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्यों आज हम लोग इस मुकाम पर है, कैसे हम इस मुकाम पर आए, पहले क्या होता था, क्या नहीं होता। वो लोग सुनते तो मामून ऐसे करते ऐसा भी होता था, हाँ ऐसा भी हुआ है, कितना लोगों का खून बहा है, इसीलिए जाके आज हम लोग ऐसे एक स्वाधीन तंत्र भारत में रह रहे हैं हम लोग, तो बहुत सही है। और हम क्या बोलेंगे, तो आई प्राउड टू बी इंडियन एंड आई लव टू बी इंडियन। तो हम बहुत खुश है कि हम भारतवासी हैं, और हम इससे ज़्यादा खुश है कि हम इंडिया में जन्म लिए, इंडिया में बड़े हुए, इंडिया का कल्चर सब कुछ जाने, सब कुछ मुझे सबसे प्यारा इंडिया लगता है। लोग बोलेंगे तुम बाहर जाने का बहुत लोगों का मन होता है, पर गाइस मेरा बिल्कुल नहीं है, पहले इंडिया को जानेंगे फिर ही देखा जाएगा कि बाहर होगा कि नहीं होगा, क्या बात है। क्योंकि इंडिया जो है ना एक इमोशन है हमारे लिए, लैंग्वेज से लेके हम लोग हर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, तो ये हमारे इंडिया का खासियत है। तो फिर इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। आई लव इंडिया, आई लव माई इंडिया एंड ऑलवेज।
फॉर एवर एवर एंड एवर। तो गाइस यही सब बात था। तो चलिए, आई होप आपका भी इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा अच्छा बीता होगा, जैसे मेरा भी बहुत अच्छा बीता है, अभी भी बीता है। पर स्कूल डेज को थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं, पर अभी कॉलेज में तो अभी मतलब सीनियर्स का एग्जाम चल रहा है, इसलिए हमारा कॉलेज बंद था, नहीं तो शायद आज हम लोग भी कॉलेज में फ्रेशर्स हैं। हमारा पहला 15 अगस्त होगा, पर चले कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल ही सही, क्योंकि अभी भी 4 साल उस कॉलेज में हम रहने वाले हैं इसीलिए। तो फिर चलिए गाइस यही, और सबसे लास्ट में बोलेंगे जय हिंद आप सबको और वंदे मातरम। और गाइस लास्ट में हम जो करना चाहते हैं वो है, आप लोग सब एक बार कृपया करके जो सब मेरा वीडियो देख रहे हो, एक बार स्टैंड हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, ठीक है। हम लोग एक बार जनगणना मना बोलेंगे पूरा दिल से, और ये पूरा भारतवासी के लिए मेरा मैसेज है, आप लोग भी ज़रूर दिन में एक बार भी होगा तो उसको गुनगुनाना ज़रूर खड़े होके, कि बैठे नेशनल एंथम अच्छाने लगता। तो चलिए सब मिलके एक साथ नेशनल एंथम गाते हैं। जन गण मन अभिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दाविड़ उत्कल बंगा, वृंद हिमाचल जमुना यंगा उच्चल चलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब गय गाथा जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। सो गाइज हम नेशनल एंथम हिंदी में तो हमारे स्कूल में नहीं होता था, बंगाली में होता था। तो अगर कोई भूल चूक किए होंगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हम लोग तो बंगाली में बोल के मतलब हैबिट है, और हम हिंदी में खुद से ही ट्राई किए बोलने का। आई होप अच्छा हुआ होगा, अगर टूटा फूटा गलती होगा तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। और क्या बोले गाइस, तो चलिए आज का वीडियो इधर ही एंड करता है, वो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए कमेंट में ज़रूर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, नहीं तो वंदे मातरम, नहीं तो जय हिंद एक बार ज़रूर लिख देना। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ।